सेमारी गांव के एक किशोर की हत्या कर उसका शव घर के पास फेंक दिया गया। 11 मार्च को हुई इस घटना पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाने से नाराज मृतक के परिजन व गांव वाले बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग की। पिछले कुछ दिनों पहले सेमारी गांव के एक लड़के की हत्या कर शव फेंक दिया गया। मृतक हीरालाल अपने मित्र कुलदीप के साथ घर से बाहर कहीं गया, इसके बाद वह पुनः घर पर नहीं आया। 11 मार्च को हीरालाल का हाथ का पंजा काटकर घर के बाहर फेंक दिया गया। हाथ का पंजा मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने सेमारी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस को हीरालाल का शव जंगल में मिला। घर वालों को शक है कि हीरालाल के मित्र कुलदीप, नाथूलाल, अमित, मुकेश व अन्य साथियों ने हीरालाल के साथ झगड़ा कर उसे मार दिया गया, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि हीरालाल ने आत्महत्या की है और इसके आगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर हीरालाल के परिजन और गांव वाले कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। हकरी देवी, इनका बेटा जो है, इनके बेटे को एक कुलदीप नाम करके व्यक्ति आता है जो इसको मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाता है और उसके बाद उस लड़के का कहीं पता नहीं चलता है और उसके 9 दिन बाद दिनांक 11 मार्च को उनके बेटे का कटा हुआ हाथ यानी कि पूरा पंजा कटा हुआ इन्हीं के घर के पास कोई फेंक कर चला जाता है। इस मैटर में जब इनको मालूम पड़ता है कि हाथ कटा हुआ फेंका है और ये हमारे ही बच्चे का है तो इस मैटर में पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने को रिपोर्ट देते हैं जिसमें FIR दर्ज होती है और उस FIR दर्ज होने के बाद पुलिस पूरी अपनी मुस्तैदी के साथ शव को तलाश करती है और मोबाइल लोकेशन की लैटिट्यूड के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति को जंगल के अंदर उसकी लाश मिलती है, उस लाश को वो लेते हैं और लाश को लेने के बाद एक्चुअली इस FIR के मैटर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस इस मैटर को कुल मिला के ये बता रही है कि उसने सुसाइड किया है, जबकि पूरा गांव इसमें रोष व्याप्त है। आज गांव के 100 से 150 की संख्या में लोग आए जिन्होंने जिला कलेक्टर साहब को, IG साहब को और SP साहब को रिपोर्ट दी है कि इस मामले में स्पष्ट जाँच कराए, इस मामले में हत्यारों को सजा दिलवाए। कुलदीप नाम का लड़का ये शायद जीजा ने भेजा हो या वो कुलदीप खुद आओ, मेरे बेटे को ले गया और शाम तक वापस नहीं आया घर पे। शाम को फ़ोन लगाया मेरी घरवाली ने तो हीरा का नंबर एक तो स्विच ऑफ बता रहा था, दूसरा नंबर लगाया तो कुलदीप नाम का लड़का बोला, तो इसने बोला कि तू कौन बोलता है, मैं इसका हीरा का दोस्त ही बोलता कुलदीप, तो हीरा का फ़ोन तेरे पास कैसे आया, कि नहीं हीरा का फ़ोन मेरे पास है, तो हीरा कहाँ गया, हीरा घर के वहाँ तुम्हारे यहाँ छोड़ दिया, घर के पीछे छोड़ दिया, तो हीरा अभी तक घर नहीं आया, शाम होगी तो कहाँ जाने का बोल रहा था, कोई तेरे को पता है, तो वो कुलदीप बोला कि हीरा बोल रहा था कि मैं जीजा के पास वापस जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन रह गया है, तो इसलिए हमारे को शक है कि ना जीजा ने वापस इसको बुलाया बड़ा पुछला के और आत्मा वहाँ होकर हत्या कर दिया और वो कर दिया सब, कि नातू और नातू का बेटा और उनके परिवार ने मेरे बेटे की हत्या की है। उदयपुर जिले के